राजा राजा। इसका प्रमेय मेरी हीर रहती है, दर्द ना सूर है, तुम अब जोर ना चलाना। कल शाम इसी वक्त मेरी भी एक कब्र बनाना। कामिल होना है मुझे, अपनी हीर के साथ शामिल होना है मुझे। और आंजे तेरी नफ्स रुकी तो मलाले यार करूंगी कैसे। रू मेरी अगर रंज हुई तो वसले यार करूंगी कैसे। मंडी हाउस के पास टपरी पे चाय पीते हुए सौम्या और मैं एक प्ले की लाइंस लिख रहे थे। प्ले का नाम था हीर की कब्र। मैंने चाय का घूंट लेके हंसते हुए कहा, गरम चाय का सिप लिया जब मैंने, मेरे होठ चल गए, मेरे होठों का दर्द अब नासूर हो गया है। अच्छा एक बात बता, इन कहानियों को अमर प्रेम कथाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अभी तक सबको याद है यार। सोच, तेरा मेरा ब्रेकअप हो गया, किसी को कुछ नहीं पता होगा हमारी ब्रेकअप स्टोरी के बारे में। कितना सैड है ना ये। सैड ये है कि हमारा ब्रेकअप होगा, या सैड ये है कि हमारी ब्रेकअप स्टोरी अमर नहीं होगी। तू ना प्ले के कैरेक्टर्स में ना ज़्यादा घुस गया है, चुपचाप चाय पी ले। नहीं डूड, सोचना, अगर हमारी कहानी दुनिया को पता हो, चैप्टर हो किसी किताब में हमारी कहानी का, क्या सही सीन होगा। हाँ क्या सही सीन होगा। चैप्टर एक, एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत बकैती करता था। दी एंड। सौम्या ने अपना खाली चाय का कप डस्टबिन में फेंका और बोली, चल फिर कल मिलते हैं, बहुत लेट हो गया। हाँ ठीक है, तुम जा रहे हो, हमारा दर्द नासूर हो गया है। सौम्या को मैंने जाते हुए देखा। उसके जाने के बाद मैंने मजाक में चाय वाले भैया से कहा, हीर चली गई अब रांझा क्या करे। भैया ने हंसते हुए कहा, इंतजार, काश मैं रांझा होता और वो हीर। कम से कम मुझको उसकी कब्र तो नसीब हुई होती। सौम्या के घर वालों के सामने बैठा मैं उनको सौम्या और मेरी आखिरी बातें करीबन 100वीं बार सुना रहा था। आज पूरे 4 साल हो चुके थे उसको गायब हुए। उस रात मेट्रो से जब वो घर गई, वो कभी घर पहुंची ही नहीं। हमने हर जगह ढूंढा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मेट्रो से उतर के उसने कैब ली थी और कैब वाले ने उसको घर के बाहर ही छोड़ा था। पर वो घर क्यों नहीं गई, और घर नहीं गई तो कहाँ गई, क्या हुआ उस रात? ये कुछ सवाल मेरे बाकी हर सवालों से सवाल करते हैं।